अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हमारे पास आया हुआ वीवो वाई 12S12S मॉडल है, 11 वर्जन है। इसके ऊपर FRP लॉक लगा हुआ है, पैटर्न भी लगा हुआ है, पिन पासवर्ड पैटर्न लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिन और पासवर्ड के उसको इसके ऊपर लगा हुआ है। तो पूरा आज सोल्यूशन हम इसका बताने वाले हैं कि कैसे आपने इसका पासवर्ड पैटर्न पिन जो भी लॉक हैं, कैसे इसकी सिक्योरिटी आपने तोड़नी है। अगर आपके घर में कोई मसला हो जाता है, मोबाइल के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप घर में बैठ के विदाउट कंप्यूटर के कैसे बना सकते हैं। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी मारेंगे इसको हम हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट का मतलब ये होता है कि इसका पासवर्ड तोड़ने के लिए वॉल्यूम अप प्लस पावर दबाएँगे। दबाने के बाद वॉल्यूम डाउन से आपने रिकवरी मोड में आना है। रिकवरी मोड में जाने के बाद जो है ना, इसको हमने करना है हार्ड रीसेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्लियर कैसे करना है, ओके कर देना है, फिर क्लियर डाटा करना है। ये दोनों को क्लियर करने के बाद इसको रिटर्न करना है। रिटर्न करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये मोबाइल आपका यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेट, पूरा डाटा आपका हो रहा है डिलीट। अगर ये आपको मसला आ जाता है घर के ऊपर, तो आप इसको विदाउट PC के कैसे कर सकते हैं, तो ये हम बता रहे हैं आपको। भी रिटर्न करने के बाद आपने मारनी है डिवाइस को रीस्टार्ट। डिवाइस रीस्टार्ट होने के बाद फिर आगे हम आपको बताएंगे कि हमने इसको कैसे किया है। यार काफ़ी मेहनत करते हैं, काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारा मोबाइल जो है ना हार्ड रीसेट हो चुका है। लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपने उसको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर करेंगे इंग्लिश, ट्रिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद वाईफाई कनेक्ट करेंगे। कोई भी मोबाइल से आप हॉटस्पॉट देके इसको वाईफाई कनेक्ट कराना है। वाईफाई कनेक्ट कराने के बाद फिर आपने कनेक्ट कराना है। कनेक्ट कराने के बाद जस्ट वेट करना है यहाँ के पर आके। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो हमने कंप्लीट बनाई है, कोई स्किप कैप नहीं किया है, क्योंकि समझ नहीं आता है बाद दफ़ा, तो वीडियो हमने थोड़ी सी लंबी कर दी है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिर नोट कॉपी करना है। नोट कॉपी करने के बाद अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैटर्न और गूगल मांग रहा था, तो हमने यहाँ पर इसको स्किप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल मांग रहा है। अभी हम करेंगे बाइक। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अपना FRP लॉक गूगल कैसे रिमूव करना है। तो ऐड में जाने के बाद आपने यहाँ पर माइक में आना है। माइक में आने जाने के बाद डाइनिंग करना है। डाइनिंग करने के बाद ट्राई अगेन, डाइनिंग फिर डाइनिंग, तीन बार ट्राई करना है। यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन में जाना है, अलाउ करना है। यहाँ पर अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपने जाना है परमिशन में। परमिशन में जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है सेटिंग। सेटिंग सर्च करनी है। सेटिंग सर्च करने के बाद आपने हार्ड रीसेट मारना है, मोबाइल को टोटल मारना है, रीस्टोर। पहले भी रीस्टोर मारा था, ये अलग तरीका है क्योंकि ये पैटर्न हमने यहाँ से अभी हम लोग पहले हमने पैटर्न रिमूव किया था, अभी हम कर रहे हैं इसका गूगल अकाउंट रिमूव, FRP लॉक जिसको बोलते हैं, गूगल अकाउंट रिमूव कर रहे हैं। सेटिंग में जाके आपने जस्ट इसको टोटल अरेज का हार्ड रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हार्ड रीसेट होने के बाद तो आगे चल के हम बताते हैं कि कैसे हमने किया इसको रिस्टोर मारना है। टोटल ऑल डेटा डिलीट के ऊपर क्लिक करके हमने इसको रिस्टोर मारा है। रिस्टोर मारने के बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये बिल्कुल भी इसी में इजी हमने सेटिंग की है, जस्ट ये सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आगे आपने पैटर्न लगाना है और कुछ भी नहीं करना। ना आपको इसमें यूट्यूब अपडेट का मसला आएगा, ना आपको यहाँ पर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ना आपको यहाँ पर PC की ज़रूरत है। विदाउट PC आप ये देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं इसको, ना आपको यहाँ पर किसी चीज़ का प्रॉब्लम आएगा। ये जस्ट ओनली सेटिंग जाके करनी है, जैसा कि आपने देखा था। सेटिंग करने के बाद हमने जाके डिलीट किया है, अभी आपने करना है दोबारा स्टार्ट।
फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद फिर डोंट एग्री करना है, एग्री करने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा अपना वाईफाई कनेक्ट करना है, क्योंकि हमने किया था ऑल डेटा रीसेट, ऑल डेटा रीसेट से सब कुछ चला गया था। दोबारा हम यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे अपने वाईफाई का, हॉटस्पॉट का, जो भी आपने जहाँ से भी वाईफाई दिया हुआ है वहाँ से लगाने के बाद। इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, काफ़ी वीडियो मैंने देखी है उसमें बहुत इशू है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। देखिएगा आप, जस्ट कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना पीसी की ज़रूरत है, ना अपडेट यूट्यूब का रहता है उसकी ज़रूरत है, मतलब इसमें कोई एप्लीकेशन कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जस्ट सेटिंग ही करनी है आपने। तो वीडियो को काइंडली स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर नोट कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना है, नोट कॉपी कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेटिंग करनी है। अगर आप हमारे YouTube पे आ चुके हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखिएगा कंप्लीट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पैसे का वैसा ही है। अभी हम दोबारा वापस जा रहे हैं, अभी हम करेंगे स्टार्ट के कहाँ से कहाँ तक, आपने दोबारा हमने वही दोहराना है। ऐड नेटवर्क में जाना है, ऐड नेटवर्क करने के बाद यहाँ पर फिर आपने माइक में जाना है, डैनी ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पर अलाउड करना है। अलाउड करने के बाद यहाँ परमिशन में जाएंगे, सॉरी परमिशन में आना है आपने, यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करना है। परमिशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च में जाना है, सर्च बार में आपने लिखना है यूट्यूब, यूट्यूब आप सर्च करेंगे, यहाँ पर यूट्यूब को सर्च करेंगे। यूट्यूब आने के बाद आपने जाना है इसके परमिशन में, बाज़ दफ़ा नोटिफिकेशन में भी ऑप्शन आ सकता है लेकिन परमिशन में भी जाना चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। अभी हम जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद हमने जाना है हिस्ट्री में, हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ इसमें आना है, इसके आने के बाद यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट करना है गूगल को, गूगल को एक्सेप्ट करने के बाद नाउ थैंक्स। अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से प्रोसेस वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। यहाँ पर हमने सर्च करना है एनवीरोम, एनवीरोम सर्च करना है, एनवीरोम, एनवीरोम सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाले को क्लिक करना है, फर्स्ट वाले को क्लिक करने के बाद ये पहली पहली एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने आना है यहाँ पर सेटिंग में। अभी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें जाना है स्क्रीन लॉक पैटर्न लॉक सेटिंग में जाना है, यहाँ पर हम लगाएंगे पिन, पिन हम कोई सा भी डाल देंगे, 1 2 3 4 पिन लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा पिन डालेंगे, दोबारा पिन डालने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, यानी ऑप्शन करेंगे। अभी इसको हम चेक करेंगे कि पैटर्न लगा, पिन लगा है कि नहीं लगा है, अभी हमें करनी है पावर प्रेस, चेक करेंगे कि यहाँ पर ओके हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा ये पिन पासवर्ड जो है ना लग चुका है, अभी बैक करेंगे, पिन खोलने के बाद ये ओके हो चुका है, अभी हम बैक करेंगे। यहाँ पर बैक करने के बाद इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा, बैक करेंगे, बैक करने के बाद देखिएगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं ये एफ आर पी लॉक रिमूव। अभी हम दोबारा इसको बैक करने के बाद टोटली बैक कर लेंगे, टोटली बैक करने के बाद दोबारा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वहीं से वहीं से स्टार्ट करने के बाद दोबारा भी नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट डोंट कॉपी, डोंट कॉपी नहीं करना है। यहाँ पर आपने अभी थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर आपने पिन डालना है जो डाला था 1 2 3 4, आप जो भी पिन डालें अपनी मर्ज़ी से पिन डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाला था 1 2 3 4, अभी जस्ट वेट करें, वेट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका स्केप का ऑप्शन शो हो चुका है। तो हमारा जो है ना एफ आर पी लॉक गूगल अकाउंट रिमूव हो चुका है, तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच क्या करें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी आपको, ना कोई सेटिंग और कुछ करना पड़ा, जस्ट हमने जाके फैक्ट्री रिस्टोर मारा, फैक्ट्री रिस्टोर के मारने बाद ऑल डाटा डिलीट किया, ऑल डाटा डिलीट करने के बाद का जस्ट पिन पासवर्ड दिया, उसके बाद बैक है, बैक करने के बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपका ये गूगल अकाउंट रिमूव हो चुका है। तो अभी हम इसकी सेटिंग आपको दिखाएंगे, इसके अंदर वर्जन कौन सा था और मॉडल ये कौन सा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा आप देख लीजिएगा। इसकी मैं सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाएंगे, अबाउट में जाने के बाद जो है ना, अबाउट में जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये मॉडल है इसका, तो ये हमारा
एफ आर पी लॉक रिमूव हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।